नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो मधुमालती है, मधुमालती के केयरिंग टिप्स, कैसे इसको आप रखरखाव करेंगे, कैसे इसका फर्टिलाइजर देंगे, कैसे इसको ब्रॉड करेंगे, कैसे इसको ग्रो करेंगे, सारा कुछ बताऊँगा। ये जो मधुमालती का पौधा है, ये कॉम्ब्रिटम इंडिकम कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का पौधा है। ये इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस में ये पौधा ज़्यादा पाया जाता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी का है। और इसके जो फूल देख रहे हैं, ये आप मल्टीपेटल के फूल है। ये मल्टीपेटल का फूल है। ये देखिए, ये फूल की आप गठन देखिए, ये मल्टीपेटल है, एक सिंगल पेटल का आता है। हम जो ड्वार्फ वैरायटी का ग्रो करते हैं, ये हम मल्टीपेटल का ग्रो करते हैं। इसकी खूबी ये है कि आप आसानी से, इसकी ये आर्च है, ये आर्च में आप आसानी से गमले में इसको ग्रो कर सकते हैं। आर्च में लगा दें इस तरह के, देखिए ये बाँस का आर्च है। इस तरह का बाँस का आर्च बनाएंगे तो करीब एक साल चल जाता है। अगर आप एक मेटल का कोई एल्युमिनियम का फ्रेम का आर्च बना लेते हैं तो सालों साल ये पौधा चलता रहता है। ये पेरेनियल पौधा है, बहुत ही खुशबू आती है इसमें से, फ्रेग्रेंस आती है, एरोमा आती है। आप खिड़की के सामने अगर इसको लगा देंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आपके घर में। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का पौधा है, ये जो मधुमालती नाम है इसका, और रिंगून क्रीपर भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में रिंगून क्रीपर कहते हैं या बंगला में माधुबी लता कहते हैं ये फूल। ये पौधा आप ज़रूर खरीदिए, नर्सरी से आसानी से आप खरीद सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस महीने में ये नर्सरी में बिकते हैं। आप फरवरी या मार्च में इस पौधे को खरीद के लाके आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं डायरेक्ट ग्राउंड में ग्रो करना तो डायरेक्ट ग्रो ग्राउंड में भी आप ग्रो कर सकते हैं। यह पौधा करीब 2.5 मीटर से ऊपर शुरू करके ऊपर 7-8 मीटर तक लंबा हो जाता है। यानी कि आप अगर इसको ग्राउंड में ग्रो करते हैं तो आप ग्राउंड में इसको लगाइए और किसी सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे दीजिए इसको, करीब ये दीवार से चढ़ के करीब आपका पूरा 3 मंजिला मकान तक ये चढ़ जाता है। काफ़ी मोटी स्टिक इसकी स्टेम होती है। और ये फूल की ये खूबी मैं बताता हूँ आपको, बहुत मज़ेदार है। ये जो फूल है, ये जब पहला दिन ये खिलता है, ये सफ़ेद कलर का फूल खिलता है, ये सफ़ेद कलर का फूल खिलता है। और दूसरे दिन ये हो जाता है गुलाबी, और तीसरे दिन आते आते ये हो जाता है लाल। इस तरह का 3 कलर का आता है। पहले दिन जब शाम को ये फूल खिलता है, डस्क टाइम में जब फूल खिलता है ये, तो इस टाइम हॉक मौथ एक आती है इसमें। हॉक मौथ आके इसके जो मधु लेती है इसमें से, यानी कि इसका नेक्टर कलेक्ट करती है। और उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन में इसमें काफ़ी सारे हनी बीज आते हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स आती है। इसके जो नाली है, इसमें से इसका मधु या नेक्टर कलेक्ट करती है और इसको पॉलिनेट करती है। बहुत आसान है इसको ग्रो करना, और ये काफ़ी अच्छा बड़ा झाड़ हो जाता है इसका पौधा, बहुत ही खूबसूरत। ये तो छोटा है, आप छोटे गमले में ग्रो करिए, करीब 10 इंच के गमले में। ये तो 8 इंच के गमला है, ये 8 इंच का गमला है। अगर आप चाहते हैं तो 10 इंच के गमले में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा हो अगर आप बड़ा गमला हो, 12 से 24 इंच का गमला हो, तो आप इसको चढ़ा दीजिए और इसका पौधा, इसका साइड सपोर्ट दे दीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दीवार के सहारे, तो आपका जो घर के साइड से ये चढ़ जाएगा। और आपको कहता हूँ, ये ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। यानी कि एक बार आप लगाएंगे तो करीब 30-40 साल ये कहीं नहीं जाने वाला है, 30-40 साल तक फूल देता रहेगा। इसके आप मैं एक एक करके केयरिंग टिप्स बताता हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए एक एक करके, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। ये पौधा आप ज़रूर लगाइए। और ये पौधे के प्राइस मैं बता दूँ, 100 रुपये में बिकता है यहाँ पर मार्केट में करीब। ये देखिए, इतना सारा फूल है, ये आर्च है, ये गमला है, सब मिला के 100 रुपये में। आपके यहाँ अगर 100 रुपये में नहीं भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये में मिल जाएगा। आप नर्सरी वालों को कहिए कि मुझे मल्टी पेटल वाला जो है, इस तरह का मल्टी पेटल वाला दीजिए, क्योंकि इसमें फूल ज़्यादा आते हैं। इसके जो फूल की जो खुशबू है, ये ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है इस फूल में। और ये फूल भी जो सिंगल पेटल होता है उससे ज़्यादा टिकता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए और ये सालों साल आपका फूल देता रहेगा। पहला कंडीशन, आपको कैसे इसकी मिट्टी का कैसे ध्यान रखना है, मिट्टी कैसे बनानी है। तो आप कोई भी तरह की दोमट मिट्टी लीजिए, या फिर आप बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आपको चिकनी मिट्टी है भी ले सकते हैं। इस तरह का मिट्टी लीजिए, मिट्टी में थोड़ा कंपोस्ट मिलाइए, 70% मिट्टी, 30% कंपोस्ट लीजिए। उसमें अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें 10% आप बालू या रेत मिला सकते हैं। और उसमें आप फरवरी में या मार्च में, अगर अप्रैल में आप पौधा लाते हैं तो फरवरी या मार्च में कुछ DAP, कुछ सुपर फॉस्फेट, कुछ पोटास, इस तरह का कुछ कुछ एक एक चम्मच, दो दो चम्मच आप मिला के इसका मिक्सचर करके इसमें हल्की तरह से पानी मिला दीजिए। थोड़ा सा पानी मिला के इसको करीब 1 महीने तक आपको इसको ढक के रख देना है, कोई भी बोरी की सहायता से इसको ढक के रख देना है। इस तरह से रख के ना, इसको 1 महीना रखने के बाद जब आपको पौधे ले आएंगे, पौधे आप 1 महीने में ले आते हैं घर में, इस तरह का पौधा इस तरह से 1 महीना रहने दिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि 10 से 12 इंच के गमले में, ये इस तरह के जो नई मिट्टी मैंने बनाई है, उस मिट्टी में आप ट्रांसप्लांट करें, तो आपका पौधा सालों साल कहीं नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चाहिए, दूसरी बात क्या क्या ध्यान देनी है।
दूसरी बात है आपको खाद क्या देनी है। आपको ये ले लीजिए सरसों की खली, चार हिस्सा सरसों की खली लीजिए, चार या पाँच हिस्सा, और उसमें मिलाइए एनपीके 10-26-26। ये सुपोला है एनपीके 10-26-26। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम चाहिए, इसमें फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से आप मिला लें। मिक्स करने के बाद एक चम्मच आप ये करेंगे फरवरी मार्च अप्रैल मई तक आप करेंगे एक चम्मच। ये जो मिक्सर हमने बनाया इस गमले में आप दे दीजिए, एक साइड में दे दीजिए, आपको इसको खुसने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड में आप दे दीजिए। देने के बाद आप इसको पानी डाल दीजिए, इस तरह का पानी डाल दीजिए। और बरसात के टाइम है, बरसात के टाइम हम सरसों की खली का कम यूज़ करते हैं क्योंकि फंगस आता है। फंगस आने से भी डरने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा। आप आधा से भी थोड़ी कम चम्मच, थोड़ी सी क्वार्टर चम्मच इस तरह की आप खाद लें। खाद लेके आप गमले में एक साइड में दे दीजिए, एक साइड में दे दें, आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसके ऊपर पानी जैसे देते हैं आप उस तरह से पानी इसको दे दें, और हर दिन इसको पानी देते रहें। आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस तरह की जब मधुमालती या फिर माधुबीलता रिंगून क्रीपर का पौधा आप लगाते हैं तो आपको हर दिन पानी देना, इसको पानी ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल धूप में रखना है और हवादार जगह में होनी चाहिए, और धूप एकदम पूरी धूप चाहिए, 6-8 घंटा बिल्कुल धूप चाहिए। जितनी ज़्यादा इसमें धूप आएगी पौधे में फूल इतने ज़्यादा आएंगे, पौधे का ग्रोथ उतने ज़्यादा होगा, और ये सालों साल चलने वाला पौधा है। अब मैं एक दो बात बताता हूँ कि चौथी बात जो है कुछ डिजीजेस के बारे में, कुछ फंगस के लिए और ये कुछ इंसेक्ट के लिए। हालांकि ज़्यादा फंगस नहीं लगता, ज़्यादा इंसेक्ट नहीं लगता, फिर भी आपको ये मेहनत करके, आप इतनी मेहनत करके पौधा लाए हैं, इतना खर्चा करके, तो आपको ज़िंदगी भर निभाना है ये पौधे को। तो आपको दो एक चीज़ का आपको ध्यान देना, अगर आपके पास इसमें फंगस लगता है तो आपको मैं बताता हूँ, कोई भी टेबुकोनाजॉल, हेक्साकोनाजॉल, स्कोर, रोडोमिल गोल्ड, इस तरह का कोई फंगिसाइड है, या फिर आपके पास ब्लिटॉक्स टाइप का कोई फंगिसाइड है, 2 ग्राम पर लीटर या फिर 1 मिलीलीटर पर लीटर में आप स्प्रे कर दें महीने में एक बार। अगर वो सब नहीं है तो आप सैफ या बेबिस्टिन, इस तरह का फंगिसाइड हर जगह मिल जाता है, तो 2 ग्राम पर लीटर आप इसको पानी में मिला के पौधे को अच्छी तरह से स्नान करा दे महीने में एक बार। ये काफ़ी रहेगा आपके पौधे के लिए, कभी कोई फंगस की बीमारी नहीं आएगी। अगर कीड़े मकोड़े का अटैक ज़्यादा है तो आप इसके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड रखिए, ये साइप्रीमाइथ्रिन क्लोरोपाइरीफॉस है, इस तरह के हमला आते हैं, हर तरह के साइप्रीमाइथ्रिन, सिम्बूस भी आता है इस तरह का, या फिर आपके पास थायोमिथक्सम है, कोई एक्ट्रा नाम का आता है थायोमिथक्सम सिंजेक्टा, ये आप 1 ग्राम पर लीटर में आप दे सकते हैं, या फिर आपके पास नीम ऑयल है, नीम ऑयल शैम्पू के साथ या लिक्विड सोप के साथ आप डाल सकते हैं। और आजकल क्या हुआ, सबसे अच्छा आ गया नीम का, कुछ नीमिसाइड, नीमाकॉल और नीमाक्टिन नाम का बहुत सारे नीम के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आ रहे हैं, इसको आप 1 या 2 ml/L में मिला के आप स्प्रे कर दें तो आपका कोई भी डिजीज़ नहीं आएगा, और ये मधुमालती आपके सालों साल आपके साथ देगी, और कोई डरने की बात नहीं। तो ज़रूर लगाइए, आप नर्सरी में जाइए, उनको कहिए कि डबल या मल्टीपल वाला मुझे मधुमालतिया चाहिए, और वो पौधा लाइए गमले में, ट्रांसप्लांट करिए 1 महीना या 15 दिन बाद गमले में ट्रांसप्लांट करिए और लगाइए, और आपका पौधा बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी वर्जन में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।